Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So welcome you all this Krishna Online Coaching. So let us start with legal terms and phrases. First is loss. What do you mean by the term loss? It means कि जब आपको कोई damage हो रहा है, आपको जब कोई injury हो रही है due to others negligence, किसी और की वजह से आपको कोई नुकसान हो रहा है, that is a loss. दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दूसरी पार्टी को क्या है, नुकसान हो गया है, लॉस हुआ है, तो उसमें क्या है कि मॉनेटरी डैमेजेस आप डिटरमाइन कर सकते हो, दैट इज़ अ लॉस. ठीक है, दूसरी पार्टी जिसने लॉस क्रिएट किया है वो डैमेजेस पे करेगा, मॉनेटरी डैमेजेस, तो वो लॉस है. नेक्स्ट, लॉस ऑफ बार्गेन. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉस ऑफ बार्गेन? इट मीन्स कि जब आप किसी को किसी से बिजनेस के साथ कंपीट कर रहे हो. इज इट क्लियर? सो इट मीन्स कि व्हेन यू आर कंपीटिंग, यू व्हेन दे इट इज़ एन इनएबिलिटी टू कंपीट अ सेल, या किसी बिजनेस डील को आप कंपीट कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? क्योंकि दूसरे ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया. इंटेंशनली आप किसी के बिजनेस में इंटरफेयर कर रहे हो, उसको लॉस पहुंचा रहे हो, नेग्लिजेंस क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ लॉस ऑफ बार्गेन. तो उसमें क्या है, जो मॉनेटरी डैमेजेस हैं दैट इज द रिजल्ट फ्रॉम दिस लॉस ऑफ, दैट कैन बी डिटरमाइंड इन अ लॉस ऑफ, इज इट क्लियर? दैट इज लॉस ऑफ बार्गेन. नाउ नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंस्टोरियम. इट मीन्स कि जब किसी पर्सन को चोट पहुंची है, और इतनी ज़्यादा चोट पहुंची है कि स्पाउस ही कैन नॉट हैव नॉर्मल मैरिटल रिलेशंस, मींस ही कैन नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो द जो लॉस वहां से अराइज हो रहे हैं, डैमेजेस हुए उस स्पाउस को, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिलेशंस फॉर सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और ही सफर्स फ्रॉम सम मेंटल डिस्ट्रेस. डिफेंडेंट की वजह से उसको मेंटली डिस्ट्रेस हो रहा है, इज इट क्लियर? तो जो अनइंजर्ड स्पाउस है, ही कैन जॉइन इन इंजर्ड मेट्स लॉसूट, और दे कैन क्लेम द डैमेजेस, इज इट क्लियर? दैट इज लॉस ऑफ कंस्टोडियम. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ यूज. लॉस ऑफ यूज मीन्स कि जब आप अपने कोई प्रेमिसेस नहीं यूज़ कर पा रहे हो, ऑटोमोबाइल नहीं यूज़ कर पा रहे हो, कोई इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे हो क्योंकि व्हीकल को डैमेज हो गया, तो दैट इज़ लॉस ऑफ यूज़, एंड दैट इज़ कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द अदर पार्टी. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कार का किसी दूसरी की वजह से आपकी कार ख़राब हो गई है, तो आप वो अपनी कार यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कंपनसेशन क्या मिलेगा? जितने दिन आपकी कार को रिपेयर करने में लग गए, जितने दिन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, हर एक डे का आपको कंपनसेशन मिलेगा. इज इट क्लियर? आग लग गई किसी की वजह से आपके घर में, जितने दिन आप अपना घर यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो, उस दिन का कंपनसेशन आपको मिलेगा. इज इट क्लियर? लॉस ऑफ यूज़. नाउ लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट मीन्स जो जिन जिस कोर्ट की रैंकिंग कम है, बिलो है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब जैसे लोअर कोर्ट में सबसे पहले आप कहाँ केस फाइल करते हो? लोअर कोर्ट में. अगर नहीं आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड, देन यू गो टू द हायर कोर्ट. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ लोअर कोर्ट. नाउ नेक्स्ट इज MO. इट दिस इज यूज फॉर मोडस ऑपरेंडी. मोडस ऑपरेंडी विच मीन्स कि जहाँ पे एक ही क्रिमिनल दोबारा क्राइम कमिट कर रहा है, इज इट क्लियर? बार बार वो क्राइम कमिट कर रहा है, दैट इज MO, मॉडस ऑपरेंडी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मजिस्ट्रेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, ये सबने सुनी होगी मजिस्ट्रेट, ये कोर्ट के जज के लिए यूज़ होती है, जो जज के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफिशियली जो आपका रूटीन में हेयरिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं. इज इट क्लियर? स्पेशली जो आपकी क्रिमिनल केसेस में प्रिलिमिनरी हियरिंग्स सुन रहे हैं, दे आर मजिस्ट्रेट्स. नेक्स्ट इज मैग्ना कार्टा. ये भी आप लोगों ने सुना होगा, मैग्ना कार्टा, ग्रेट चार्टर. व्हाट डज इट मीन, ग्रेट चार्टर? इट इज़ अ लेटिन टर्म मैग्ना कार्टा, इट मीन्स ग्रेट चार्टर.
तो ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट, इट वॉज अ डॉक्यूमेंट डेलिनेटिंग सीरीज ऑफ लॉ एस्टैब्लिश द राइट्स ऑफ इंग्लिश बैरन एंड मेजर लैंड ओनर्स एंड लिमिटिंग द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. इज इट क्लियर? सो इट वॉज द बेसिस ऑफ द राइट्स ऑफ इंग्लिश सिटीजन्स. ये किंग जॉन ने साइन किया था June 15, 1215 एट रनी मेड एट अ टेबल सेटअप इन द फील्ड अंडर अ कैनोपी सराउंडिंग्स बाय द आर्म जेंटल. इज इट क्लियर? और ये किसने कन्फर्म किसने किया था? जॉन्स सन हेनरी थर्ड एंड इन द टर्न बाय हेनरी सन एडवर्ड आई. तो इस तरह से आगे आगे उन्होंने कन्फर्म करते गए, दैट इज मैग्ना कार्टा. नाउ मेल बॉक्स रूल, इट मीन्स कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिटर्न ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है, ठीक है, रिटर्न ऑफर है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, ऑफर का वैलिड है, अगर आप उसको मेल से भेज रहे हो, दैट इज़ मेल बॉक्स रूल. कोई पोस्टेज से भेज रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जिस टाइम में ऑफर एक्सेप्ट होगा, अगर ऑफर नहीं एक्सेप्ट होगा बाय पर्सनल डिलीवरी ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड, इज इट क्लियर? तो ये इनको इंश्योरेंस प्रीमियम्स को भी, प्रीमियम को भी अप्लाई होता है कि जब आप पेमेंट मेल कर रहे हो. इज इट क्लियर? बट दिस, ये जो मेल बॉक्स रूल है, ये थोड़ा सा आपका रिस्की है. हाउ इट इज़ रिस्की, हाउ इज़ इट डेंजरस? क्योंकि पार्टी को वेट करना पड़ता है जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है. इज इट क्लियर? अगर नहीं आ रही है, वो ऑफर कैंसिल कर सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इन हैंड. दैट इज़ मेल बॉक्स रूल. मेन इट मीन्स जब आपकी बॉडी पे कोई सीरियस इंजरीज कॉज हो रही हैं, जिसकी वजह से विक्टिम की जो एबिलिटी है, विक्टिम परफॉर्म कुछ फिजिकली फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहा. इसलिए किसी का आपने आर्म काट दिया, किसी ने लेग काट दिया, कट गया किसी का हैंड है, फुट है, इस तरह से वो काम नहीं कर पा रहा, दैट इज़ मेन. इज इट क्लियर? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मीन्स कि जब पर्सन अपनी नॉर्मल लीगल राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है, इट इज़ मीन्स, सबको पता है मेजॉरिटी क्या है, व्हेन यू अटेन द एज ऑफ 18 और अबव 18. इज इट क्लियर? मेक, मेक मीन्स कुछ क्रिएट करना, या आप साइन चेक साइन कर रहे हो, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर रहे हो, दैट इज़ मेक. मेक वन होल, मेक वन होल मीन्स, इट मीन्स मेक वन होल मीन्स कि जब आप किसी को डैमेजेस पे कर रहे हो, किसी को सफिशेंट अमाउंट पे कर रहे हो, क्योंकि जो डैमेज्ड पर्सन था उसको उसकी पोजीशन पे लाने के लिए आप डैमेजेस दे रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, मॉनेटरी कंपनसेशन दे रहे हो, दैट इज़ मेक वन होल. नेक्स्ट मेकर, अगेन मेक एंड मेकर इज़ द वन थिंग. मेकर कौन है? जो कोई प्रॉमिसरी नोट आपका साइन कर रहा है. मैलफिजियंस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि इंटेंशनली आप कुछ गलत काम कर रहे हो. इज इट क्लियर? इंटेंशनली यू आर डूइंग समथिंग आइदर लीगल और मॉरली रॉन्ग. जो आपके पास राइट नहीं है करने की, वो काम कर रहे हो. डिसऑनेस्ट, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है मैलफिजियंस में? डिसऑनेस्ट हो आप, इलीगल हो, आपको पता है कि आप अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहे हो. नाउ मैलफिजियंस इज डिफरेंट फ्रॉम मिसफिजियंस. मिसफिजियंस क्या है? कि जो आप गलती से गलत काम कर रहे हो, दैट इज मिसफिजियंस. मैलफिजियंस इंटेंशनली कर रहे हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मैलिश. मैलिस मीन्स, मैलिश मीन्स यू आर इंटेंशनली या तो सिविल रॉन्ग कमिट कर रहे हो या क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो. सिविल रॉन्ग में जैसे किसी के इंसल्ट कर रहे हो, रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन को पब्लिश करवा रहे हो. क्रिमिनल एक्ट में कोई मर्डर कमिट कर रहे हो, असॉल्ट कमिट कर रहे हो, किस वजह से? कि विक्टिम को हार्म पहुँचे. और क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न क्या है आपका उसकी विक्टिम की तरफ? टूवर्ड्स हेट्रेड, टूवर्ड्स इलविल, दैट इज मैलिश. आपने कहा मैंने उसको चोट क्यों पहुंचाई है? बिकॉज मैं उस पर बहुत गुस्सा था, आई हेट हिम, दैट इज मैलिश. सो मैलिश, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट डिग्री इन मर्डर. नेक्स्ट मैलिश अफॉर थॉट. मैलिश,
तो इसमें आपकी इंटेंशन है डेथ को कॉज करने की, बॉडीली हार्म को, बॉडीली हार्म करने की दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो इसमें भी, इस तरह के मैलिश में भी क्या है, फर्स्ट डिग्री मर्डर चाहिए, प्रूव करना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? अगर अब एक पर्सन है, ही इज़ होल्डिंग अ गन टू अ बैंक, और वहाँ पे एक इनू बैंक में एक इनोसेंट पर्सन खड़ा था, उसको मारा, वो मारा गया, पुलिस आ गई, पुलिस को पता है कि यहाँ पे किसी के पास गन है, पुलिस आ गया, पुलिस के गन से वो इनोसेंट मारा गया, देयर इज मैलिश अफॉरथ। इज इट क्लियर? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स व्हेन यू आर फाइलिंग अ लॉसूट विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द डिफेंडेंट्स। इज इट क्लियर? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स कि जब आप अब लॉसूट फाइल कर रहे हो कि डिफेंडेंट को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होए, जैसे कि कोई कॉस्ट्स की प्रॉब्लम है, कोई अटॉर्नी फी की है, डिस्ट्रैक्शन हो, व्हेन देयर इज नो सब्सटेंशियल बेसिस फॉर दिस, इज इट। सो अगर लॉसूट में डिफेंडेंट विन कर रहा है, ही हैज द एविडेंस ऑल्सो कि जो लॉ, ये जो सूट था ये विदाउट एनी फाउंडेशन, विदाउट एनी लीगल फाइल किया गया, तो दैट, सो इन दैट केस डैमेजेस अगेंस्ट द पर्सन हु हैज फाइल द ओरिजिनल एक्शन, सू, ही कैन सू फॉर द डैमेजेस। इज इट क्लियर? तो पर्सन हु हैज ओरिजिनली ब्रॉट द सूट, ही हैज टू पे द डैमेजेस। क्लियर? दिस वॉज योर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट, मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस क्या है? व्हाट यू मीन बाय मैल प्रैक्टिस? सो मैल प्रैक्टिसेस मीन्स कि जहाँ पे आप, आपका कोई कंडक्ट है, ठीक है, आपके बिजनेस के, आपके प्रोफेशन में कोई कंडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप लॉयर का ले लो, कि लॉयर ही इज नॉट फेथफुल टू हिज क्लाइंट, तो दैट इज मैल प्रैक्टिसेस। तो आप अपने क्लाइंट को डैमेजेस पे करोगे अगर उसको कोई नुकसान हो रहा है, डॉक्टर पेशेंट हैं, ठीक है, उनमें ट्रस्ट कॉन्फिडेंस का रिलेशन है, सो दे, डॉक्टर शुड नॉट डू एनी मैल प्रैक्टिसेस विद हिज पेशेंट, इंटेंशनल भी हो सकते हैं, दैट इज मैल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज मैलुम इनसे। मैलुम इनसे इट इज़ अ लेटिन टर्म विच मीन्स रॉन्ग इन इटसेल्फ, कि अपने नेचर से इलीगल है, वो मॉरल प्रिंसिपल्स को वॉयलेट कर रहा है, पब्लिक प्रिंसिपल्स हैं सिविलाइज सोसाइटीज़ को, उनको वॉयलेट कर रहा है, नेचुरल प्रिंसिपल्स को वॉयलेट कर रहा है, दैट इज मैलियम इनसे। नेक्स्ट मैलियम प्रोहिबिटम। मैलियम प्रोहिबिटम इट इज़ ऑल्सो लेटिन फ्रेज विच मीन्स रॉन्ग ड्यू टू बींग प्रोहिबिटेड, कि अब जो लॉ ने हमें क्राइम रोके हुए, ये क्राइम नहीं करने, फिर भी आप कर रहे हो, दैट इज मॉलियम प्रोहिबिटेड। इज इट क्लियर? मैंडमस। व्हाट डू मीन बाय द टर्म मैंडमस? अगेन इट इज़ अ वन ऑफ द रिट्स। ये एक रिट है, जो पांच रिट्स मैंने आपको बताई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर फाइव रिट्स, कौन कौन सी है वो फाइव रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिटरी एंड कोवरेंटो। इज इट क्लियर? सो मैंडमस मीन्स वी ऑर्डर, ये एक पब्लिक एजेंसी या गवर्नमेंट बॉडी को ऑर्डर देते हैं कि कोई आपको ये एक्ट परफॉर्म करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्ट व्हेन दे आर नेग्लिजेंट और दे आर रिफ्यूजिंग टू डू, दैट इज मैंडेट। मैंडेट, मैंडेट मीन्स विच इज़ कंपल्सरी अंडर द लॉ, अंडर द रूल्स रेगुलेशन, अंडर द पब्लिक एजेंसी, ठीक है। सो इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ द अपील, अपील कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, कि आप अपने जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करो। सो मैंडेट इज एज सिमिलर टू द मैंडमस। नेक्स्ट इज मैंडेटरी, जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको पता है करना ही है, एब्सोल्युटली डिमांडेड और रिक्वायर्ड। मैंडेटरी जॉइंडर, कि एक लॉ सूट है, सिविल सूट है, उसमें पार्टीज़ और इंक्लूड हो रही हैं, जिनको और एंड उन पार्टीज़ का ज्वाइन होना ज़रूरी है, कोर्ट को लगता है कि ये पार्टीज़ भी नेसेसरी है, इनको भी ज्वाइन करवाया जाए, दैट इज़ मैंडेटरी जॉइंडर। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मीन्स या तो आप कह सकते हो कि एक लिस्ट है रिटर्न गुड्स की, जो शिप होने हैं,
या फिर आप कह सकते हो इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्वियस और एविडेंट। नेक्स्ट मैन स्लॉटर, मैन स्लॉटर मीन्स कि आपकी अनलॉफुल किलिंग है, जहाँ पे एक दूसरे पर्सन को आप मार रहे हो, जहाँ पे ऑलरेडी आपकी इंटेंशन थी, ईवल इंटेंशन थी, बैड इंटेंशन थी। मर्डर में यू कैन से इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मर्डर, मर्डर में ज़्यादा पेनल्टीज आती हैं। मैन स्लॉटर में वॉलेंट्री कर रहे हो, इनवॉलेंट्री कर रहे हो आप? वॉलेंट्रली मीन्स, वॉलेंट्री मैन स्लॉटर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, इस वजह से आपने ये क्राइम कमिट कर दिया। इनवॉलेंट्रली मीन्स व्हेन डेथ इज कॉज्ड बाय द वायलेशन ऑफ नॉन फेलनी, जैसे कि बहुत आप ड्राइविंग जो कर रहे हो, बहुत रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट मैरिटल डिडक्शन, मैरिटल डिडक्शन मीन्स, तो इसमें क्या है कि इसमें जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसके स्टेट में टैक्स डिडक्शन अलाउड होते हैं, और डिसीज्ड स्पाउस की, सर्वाइविंग स्पाउस है, सर्वाइविंग स्पाउस को अलाउ किया जाता है कि जो डिसीज्ड स्पाउस की स्टेट है उसमें से टैक्स डिडक्ट किया जाए हाफ ऑफ द वैल्यू। अब ट्रस्ट में जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं वो एग्री कर सकते हैं कि जिसकी डेथ पहले होगी तो उस प्रॉपर्टी का कुछ अमाउंट हम किसको देंगे, सर्वाइवर स्पाउस को, लिमिटेड होगा, इट विल नॉट सब्जेक्ट टू एनी टैक्स, इज इट क्लियर? तो तब तक आप टैक्स को डिले कर रहे हो जब तक वो सर्वाइविंग स्पाउस है, उसकी डेथ नहीं हो जाती है, इज इट क्लियर? सो दैट इज़ योर मैरिटल डिडक्शन। थैंक यू गाइज़।